नमस्कार दोस्तों, ओएसआर टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है विकास मदन। तो आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ प्रैक्टिकल के साथ, वो भी कि अगर हमें विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे वीएमवेयर पे। दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ आपको, विंडोज़ सर्वर 2022 जो है विंडोज़ का लेटेस्ट सर्वर है, इससे पहले जो था वो 2019 था। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें विंडोज़ सर्वर को इंस्टॉल करना हो तो हम कैसे करेंगे 2022 को वीएमवेयर पे। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है कम से कम 512 MB रैम होनी चाहिए, 32 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए फ्री स्पेस, और प्रोसेसर आपका 1.5 GHz का चलेगा। तो मैं वीएमवेयर पे कर रहा हूँ, देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे होगा वीएमवेयर पे इंस्टॉल। और रैम जो है हमारी 1 GB होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन में जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ विंडोज़ वर्जन है मेरा और यहाँ पे हम लेटेस्ट सर्वर ले लेते हैं, सर्वर 2016 दिखा रहा है मेरे पास। इसमें कोई बात नहीं, वैसे हमें 2022 इंस्टॉल करना है, लेकिन ये भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो दोस्तों यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम आ गया, यहाँ हम डाल देते हैं विंडोज़ सर्वर 2022। और तो इसको हम दोस्तों ई ड्राइव में एक फोल्डर बना हुआ है सर्वर 22, वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। दिस पीसी ई ड्राइव यहाँ पे सर्वर 2022, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये मेरी लोकेशन हो गई जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट 100 GB स्पेस हार्ड डिस्क का ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट और कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके दोस्तों यहाँ पे हम रैम जो है बढ़ा के 2 GB कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा इससे। मिनिमम 512 MB रैम चलेगी, आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो 512 MB या 1 GB भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि सर्वर आपको पता है थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको हम 2 GB सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ है, हमें यहाँ पे DVD सेलेक्ट करनी है। DVD मैंने ISO इमेज यानी, तो ब्राउज़ करके हमने इसको डाउनलोड में रखा फोल्डर। ये रहा मेरा सर्वर ओपन, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं फिनिश। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देते हैं और हमारा विंडोज सर्वर 22 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉल नाउ, अगर आपने विंडो 10 इंस्टॉल करा होगा या सर्वर 2016 तो लगभग सेम ही है सारा, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की कर देते हैं क्योंकि हमारा ये जो है ट्रायल वर्जन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 22 स्टैंडर्ड आ रहा है, 22 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आ रहा है। दोस्तों हमें जो है ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करना है क्योंकि जो है ये जो है हमारा पूरा ग्राफिकल मोड पे है। अगर ये आप करेंगे तो ये हमारा कमांड बेस पर होगा, यानी पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट चलेगा। तो हमें जो है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करना है, चाहे तो आप स्टैंडर्ड कर लीजिए चाहे आप डाटा सेंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। एग्रीमेंट आ गया, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कस्टम करना है आपको और यहाँ पे आप हार्ड डिस्क का स्पेस दे सकते हैं। तो मैं एक
यहाँ पे 60 GB का स्पेस बनाया था या मैं 50 GB का स्पेस बनाया हूँ, 50,000 MB यानी 50 GB हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब दोस्तों देखिए 100 MB इसने रिजर्व कर लिया अपने लिए, बाकी जो है इसने सी ड्राइव बना दिया और ये हमारा डी ड्राइव बन सकता है, तो इसको हम बाद में बना सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। तो फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि ये पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब मेरे सारे फीचर्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गए हैं। अब देखिए अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स दिखा रहा है ये। अब इसके बाद लास्ट फिनिशिंग अप के बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा और हमारा सर्वर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मेरी सारी इंस्टॉलेशन हो गई है, रीस्टार्ट हो गया बीच में। अब मेरे को यहाँ पासवर्ड डालना है, पासवर्ड मिनिमम आपको 7 करेक्टर डालना होगा। और 7 करेक्टर के अंदर आपके पास A to Z, small a to Z, 0 to 9 या फिर स्पेशल करेक्टर, ये 3 कम से कम होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ फिनिश कर देते हैं इसको। तो आप कंट्रोल अल्ट प्लस इंसर्ट करेंगे या फिर आप यहाँ पे इस कंट्रोल सेंड के वर्चुअल बटन को सेंड करोगे तो आप यहाँ के सामने यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं हम। ये स्क्रीन देख के आपको लगा होगा यार विंडो 10 शायद इंस्टॉल हो गया। तो देखिए विंडो 10 में भी शायद ऐसे ही आपने देखा होगा आपने। अब देखिए दोस्तों मेरा सर्वर इंस्टॉल हो गया। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें और सिस्टम में जाके देखेंगे तो देखिए दोस्तों मेरा सर्वर तैयार हो गया। एडिशन है विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर, ये आज की डेट दिखा रहा है और ये इसका वर्जन दिखा रहा है। ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड आ गया। अगर आपको याद हो तो 2012 का भी ऐसे ही होता है सर्वर का, और 2016 का भी ऐसे ही होता है लगभग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप नए चैनल की प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे उसके अंदर विंडोज सर्वर CCNA Linux की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बेसिक नेटवर्क जैसे राउटर स्विच इनके बारे में भी डिटेल में समझाया गया। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। थैंक यू।